हमारे फर्स्ट टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो कितने टाइप के सिस्टम होते हैं? मेनली तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में क्या होता है हमारा, हीट और मास दोनों ट्रांसफर होते हैं। क्लोज सिस्टम में क्या होता है हमारा, सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना हीट ट्रांसफर होता है ना ही मास ट्रांसफर होता है। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, तो बेसिकली इसका स्टेटमेंट क्या है कि कभी भी हीट ट्रांसफर नॉर्मली जो है नेचुरल वे में हीट ट्रांसफर कहाँ होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कभी भी इसका अपोजिट नहीं होगा, मीन्स कभी भी खुद लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा करना है तो हमें एडिशनली वर्क करना पड़ता है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो जो टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर है हमने, ठीक है, बेसिकली इस पर डिपेंड होता है ये मॉलिकुलर मोमेंट के हिसाब से। अगर हीट ट्रांसफर करने में मॉलिकुलर अपना प्लेस नहीं छोड़ रहे और तो भी हमारा हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे क्या बोलेंगे हम, कंडक्शन। जब भी मॉलिकुलर हीट ट्रांसफर कर रहे हैं और जो भी अपना मॉलिकुलर है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसका पोजीशन, उसे क्या बोलेंगे हम, कन्वेक्शन। और जब भी हीट ट्रांसफर करने के लिए मॉलिकुलर की जरूरत ही ना पड़े उसे क्या बोलेंगे हम, रेडिएशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वीसीआर साइकिल। ठीक है, तो जो वीसीआर साइकिल है वो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये असाइनमेंट क्वेश्चन के लिए भी, नेक्स्ट हमारा किसके लिए, इंटरव्यू के लिए भी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली आपको आना चाहिए। ठीक है, वीसीआर साइकिल में बेसिकली आपको क्या है, फोर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वन, इवापोरेटर। इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नॉर्मली जो कंप्रेसर होता है हमारा उसका काम क्या है, प्रेशर को बढ़ाना, टेम्परेचर को बढ़ाना। जो कंडेंसर उसका वर्क क्या है हमारा, हीट, ठीक है, फेज चेंज करवाना हीट ट्रांसफर से, जिससे जो भी गैस रेफ्रिजरेंट है उसको किस में कन्वर्ट करता है, लिक्विड में। जो एक्सपांशन वाले उसका मेनली काम क्या है, प्रेशर को रिड्यूस करना जिससे टेम्परेचर क्या हो, रेफ्रिजरेंट का कम हो जाए। और इवापोरेटर का मेनली काम क्या है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है लाइक एयर है या वाटर है उसको ठंडा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेफ्रिजरेंट एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज?